यूं तो चुनावों को इलेक्शन वॉर कहते हुए कई बार पार्टी समर्थक कहते मिल जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनावों में फेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस के नियम बहुत साफ साफ और स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि चुनावों के दौरान क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं। तो चलिए जानते हैं उन सभी प्रैक्टिसेस को जो चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी प्रत्याशी द्वारा नहीं की जा सकती। चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा सरकारी वाहनों का बिना परमिशन इस्तेमाल प्रतिबंधित होता है। इसके साथ ही राजपत्रित अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और सशस्त्र बलों के अधिकारियों की मदद लेना भी प्रतिबंधित होता है। सार्वजनिक धन को विज्ञापनों पर खर्च करना, धर्म का उपयोग करना, सेना का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक स्थलों या मैदानों का गलत इस्तेमाल और मीडिया का भी गलत उपयोग करना दंडनीय होता है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करना होता है। मतदाताओं या दूसरे उम्मीदवारों को डराना, धमकाना या गुमराह करना भी इसी श्रेणी में दंडनीय है। अब नियम तो ये भी कहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को झूठे या गलत बयान देने पर भी सजा हो सकती है, लेकिन क्या वास्तविकता में चुनाव से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन होता है? कमेंट में बताएं। और चुनाव से जुड़ी सभी कानूनों को विस्तार से समझने के लिए आप न्याया की वेबसाइट देख सकते हैं, जहां आसान भाषा में जटिल कानूनों की व्याख्या होती है। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहे बारहमासा।